बड़े बाबा की कहानी। जब औरंगजेब को हार कर भागना पड़ा, मुगल सेना छिन्न भिन्न हो गई। बताते हैं एक बार पटेरा गांव में एक व्यापारी बंजी करता हुआ प्रतिदिन की तरह सामान बेचने के लिए पहाड़ी से एक तरफ गुजरा। उसे प्रतिदिन एक पत्थर से ठोकर लगती। एक दिन उसके मन में आया कि वह उस पत्थर को हटा देगा ताकि रोज रोज का झंझट खत्म हो जाए। लेकिन उसी रात उसे स्वप्न आया कि वह पत्थर नहीं, तीर्थकार की मूर्ति है। स्वप्न में उससे मूर्ति की प्रतिष्ठा कराने के लिए कहा गया, लेकिन शर्त थी कि वह पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। उसने दूसरे दिन वैसा ही किया। बैलगाड़ी पर मूर्ति सरलता से लाद ली। जैसे ही आगे बढ़ा, उसे संगीत की और वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि सुनाई दी। उसने जिस समय उत्सुकता से पीछे मुड़कर देखा कि कौन ये संगीत बजा रहा है, उसी समय पर वो मूर्ति वहीं पर स्थापित हो गई। अलसे की सबसे बड़ी घटना तब हुई जब मूर्ति पूजा का प्रबल विरोधी मुगल मंदिरों को तोड़ने के लिए विख्यात जाना जाने वाला औरंगजेब अपनी बड़ी विशाल सेना लेकर पहाड़ पर चढ़ाया और उसने बड़े बाबा की प्रतिमा को खंडित करने का असफल प्रयास किया। जैसे ही उसने प्रतिमा के दाहिने पैर के अंगूठे पर तलवार से प्रहार किया, पैर के अंगूठे से दूध की धार निकली। मुगल सेना समेत औरंगजेब जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। उसी समय मधुमक्खियों ने उस पर और उसकी सेना पर भीषण हमला कर दिया। मधुमक्खियों के आक्रमण से मुगल सेना तिलमिलाकर नदी कोफर होते हुए भाग निकली। बड़े बाबा के दाहिने पैर के अंगूठे का निशान और मधुमक्खियों के शांत और व्यवस्थित छत्ते इसी बात का प्रमाण है। कुंडलपुर जी सिद्ध क्षेत्र बड़े बाबा का अतिशय प्राचीन मंदिरों का गढ़ है। यहाँ लगभग 2400 वर्ष पुराने श्रीधर केवली के चरण विराजमान हैं। पहाड़ पर तलहटी में लगभग 500 वर्ष पूर्व 63 जैन मंदिर हैं, जिनमें पशुनाथ और चंद्र प्रभु भगवान के दर्शन बहुतायत में मिलते हैं और आसपास गुप्त काल के प्रतिमाओं का भी उल्लेख है। इन सबसे ऊपर विद्यमान कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री 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 1008 आदि नाथ महाराज 1500 वर्ष पुराने मंदिर में सिंह पीठ पर आसन पर विराजते हैं और कहते हैं बड़े बाबा के दर पर जो भी मुराद लेकर आती है उसकी मुरादें पूर्ण हो जाती हैं। जय बड़े बाबा की।